नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है हाल ही में फिर से शुरू होने वाली बीकानेर बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों यह ट्रेन जानकारी जुलाई की समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ट्रेन नंबर 20846 बिलासपुर बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो सप्ताह में दो दिन रविवार था मंगलवार को बीकानेर से बिलासपुर के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके ट्रेवल टाइम की तो यह बीकानेर से बिलासपुर के बीच 1885 किलोमीटर की यात्रा लगभग 33 घंटे 15 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच यह 28 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ टाइम में लगने वाले कोच की तो इसमें LHB रेक श्रेणी की सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास प्लस जनरल क्लास के कोच लगते हैं। दोस्तों यह ट्रेन आरक्षित ट्रेन है। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस, जो बीकानेर जंक्शन से रात को 1:10 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है नोखा 1:55 पर पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:57 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है नागौर 2:35 पर तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है डेगाना जंक्शन 4:16 पे तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 4:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है मकराना जंक्शन 5:15 पे तथा 3 मिनट के ठहराव के बाद 5:18 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है कुचामन सिटी 5:34 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:36 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है जयपुर जंक्शन 7:30 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 7:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है दुर्गापुरा 7:52 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:54 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बनस्थली नवाई 8:44 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:46 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है सवाईमाधोपुर जंक्शन 10:15 पे तथा 20 मिनट के ठहराव के बाद 10:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है इंद्रगंज समेरगंज मंडी 10:58 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:00 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है कोटा जंक्शन 11:50 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 12:00 यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है भवानी मंडी 1:05 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:07 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है शामगढ़ 1:30 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 1:32 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है नागदा जंक्शन 3:20 पे तथा 15 मिनट के ठहराव के बाद 3:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है उज्जैन जंक्शन 4:25 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 4:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बेरछा 5:23 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है सुजालपुर शाम को 6:00 तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:02 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है सीहोर 6:33 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है भोपाल जंक्शन 7:45 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 7:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है रानी कमलापति 8:08 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 8:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है इटारसी जंक्शन 9:40 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 9:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है नागपुर जंक्शन रात को 2:35 पे तथा 15 मिनट के ठहराव के बाद 2:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है गोंडिया जंक्शन 4:46 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है राजनंदगांव 6:27 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:29 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है दुर्ग जंक्शन 7:15 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 7:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है बिलाई पावर हाउस 7:29 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:31 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है रायपुर जंक्शन 8:05 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 8:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती है भाटापारा 9:02 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:04 पे यहाँ से रवाना हो जाती है तथा इसके बाद पहुंचती है बिलासपुर जंक्शन 10:25 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तथा दोस्तों अगर आपको इसी तरह किसी और नई ट्रेन की जानकारी चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।